नमस्ते दोस्तों, सानुष फ्लेवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं थोड़ा सा स्पाइसी और डिलीशियस चिकन चेट्टीनाड या चेट्टीनाड चिकन। ये तमिलनाडु का चेट्टीनाडु रीजन से बहुत ही फेमस क्यूजिन रह चुका है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैरिनेशन के लिए चिकन 700 ग्राम, नमक 1 टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, नींबू का रस 2 टीस्पून, अच्छे से मिलाकर 30 मिनट तक रख दीजिए। ग्रेवी के लिए मसाला बनाते हैं। एक कढ़ाई में तेल 1 टेबलस्पून, साबुत धनिया 2 टीस्पून, सौंफ 2 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, दगड़ फूल 1, चक्रफूल 1, काली मिरी 8 से 10, लौंग 5 से 6, तेजपत्ता 2, छोटी इलायची 3 से 4, बड़ी इलायची 1, काजू 5 से 6, जावित्री 1, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा। सारे मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। अब डालें कश्मीरी लाल मिर्च 3, किसा हुआ गीला नारियल 1 कप। नारियल को सुनहरा रंग होने तक भून लें। गैस को बंद कीजिए और मसालों को थोड़ा ठंडा होने दें। ब्लेंडर जार में भुने हुए मसालों को डालें। पानी में भिगोया हुआ इमली 2 चम्मच और बारीक पीस लें। ये हमारा मसाला पाउडर बन गया है। चिकन चेट्टीनाड के लिए छोटे प्याज लिया है 200 ग्राम, छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब ग्रेवी बनाते हैं। एक कढ़ाई में तेल 5 से 6 टेबलस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, कड़ी पत्ता 10 से 12, कटे हुए प्याज 200 ग्राम या 1 कप। प्याज को 2 से 3 मिनट तक पकने दें। 2 बारीक कटे हुए टमाटर अच्छे से सौते कर लें। नमक स्वादानुसार, ध्यान रहे मैरिनेशन में नमक डाला हुआ है। मैरिनेटेड चिकन और मसालों का पाउडर डाल के अच्छे से मिला लें। अब डालें हल्दी 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, अच्छे से मिला लें। ढककर 8 से 10 मिनट तक चिकन को पकने दें। गैस का फ्लेम लो कीजिए। दही 1/2 कप, पानी 1 कप, आखिरी बार मिला ले। ढककर और 5 मिनट तक पकने दें। ये देखिए, बहुत ही लाजवाब और टेस्टी चिकन चेट्टीनाड तैयार है। इसे आप रोटी, नान, चपाती या चावल के साथ सर्व करें। आप भी ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। थैंक यू।